कक्षा आठवीं पाठ पांच, शायद यही जीवन है। भाभी, ओ भाभी, जल्दी आओ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या बात हो गई? क्या दिखाना चाहती हो तुम? आप चलो तो मेरे साथ। ये देखो भाभी। क्या देखूं? ये तो 3-3 फुट लंबे बैंगन के पौधे हैं। इन्हें तो मैं रोज ही देखती हूँ। अरे नहीं, इन बैंगन के पौधों के पीछे देखो। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा घोंसला है। हाँ देखो ना भाभी, ना जाने किस पक्षी ने इतनी मेहनत की, तिनके, रुई, ऊन और पत्तियों को जोड़कर प्यारा सा मुलायम सा घोंसला बनाया है। हाँ मैं भी यही जानने के लिए बड़ी उत्सुक हूँ कि ये घोंसला है किस पक्षी का। अरे देखो देखो भाभी, जैतूनी हरी चिड़िया। हो ना हो, ये घोंसला इसका ही है। अरे ये तो दर्जन चिड़िया है। इस चिड़िया के नीचे अंग सफेद, इसकी शिखा जंग जैसे रंग की है और इसके पर सुई की तरह नुकीले हैं। देखो कितने तनकर खड़े हैं। हाँ भाभी देखो, यह चिड़िया इसी घोंसले में आकर बैठ गई। ये घोंसला इसी ने ही बनाया है। उफ, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, मुझे तो बाजार जाना है। अच्छा भाभी मैं चलती हूँ। माँ माँ, हम आ गए। आ गए मेरे बच्चे स्कूल से। माँ आप यहाँ बाहर क्या देख रहे हो? मुझे अभी इन्हें इस चिड़िया के घोंसले के बारे में नहीं बताना चाहिए, कहीं उत्सुकता में ये इस चिड़िया के अंडे ही ना तोड़ दें। पर नहीं, इन्हें भी तो पक्षी जगत से परिचित होना चाहिए ना। माँ आप क्या सोच रहे हो? बेटा मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो चिड़िया का घोंसला, और इसके अंदर इसके अंडे भी हैं। पर बच्चों ध्यान रहे, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना। वाह माँ, ये तो बहुत ही प्यारा है। पर माँ इन अंडों में से बच्चे कब निकलेंगे? बहुत जल्दी। चलो अब अंदर चलो और खाना खाओ जाकर। मामा जल्दी आओ, देखो चिड़िया के अंडों में से बच्चे बाहर आ गए हैं। सच? अरे दिखाओ मुझे। रुको रुको मैं भी आती हूँ, मुझे दिखाओ पहले। देखो माँ कितने प्यारे बच्चे हैं। हाँ बेटा, हाँ, ये तो बिल्कुल रुई के फहों की तरह मुलायम है। मन करता है इन्हें अपलक देखती रहूं। माँ माँ ये देखो, ये बच्चे तो अपनी चोंच को खोलकर ऊपर की तरफ कर रही है। हाँ शायद इन्हें भूख लगी है और ये खाने की मांग कर रहे हैं, इसलिए अपनी चोंच को खोलकर ऊपर की तरफ देख रहे हैं। माँ हम इन्हें कुछ खाने को दें? नहीं, ये भी बहुत छोटे हैं बेटा। इनकी माँ है ना, जो मम्मा चिड़िया, वही इनके लिए खाना लेकर आएगी। चलो हम इनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो चिड़िया यहाँ आसपास ही कहीं होगी, हमें देखकर वो यहाँ नहीं आएगी। माँ ये चिड़िया के बच्चे क्या खाते हैं? बेटा मामा चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मच्छर पकड़ती है, अपने मुंह में डालकर अपने बच्चों के लिए लाती है, फिर वो धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चों के मुंह में डाल देती है, और वो ही इनका भोजन है, ये वही तो खाते हैं। चलो अब हम एक तरफ हो जाते हैं, चिड़िया के आने का समय हो गया मुझे लगता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये घोंसला तो नीचे गिरने वाला है। ये घोंसला दो पत्तों को मिलाकर बनाया गया था। ये दो पत्तों पर लटका था और एक पत्ता इनमें से टूट गया, इसीलिए अरे अरे ये दो बच्चे भी नीचे गिर गए हैं। मुझे इन्हें उठाना चाहिए। अब ठीक है, कम से कम अब इन्हें ऊंचाई से गिरने का डर तो नहीं है। शाम हो गई, अंधेरा होने वाला है। अरे चिड़िया के वो बेजुबान से बच्चे अभी भी डिब्बे में होंगे।
पर अगर उन पर किसी बिल्ली या चील ने हमला कर दिया? नहीं नहीं, मुझे उनको घर के अंदर ही ले आना चाहिए। अगर मैं उन्हें घर के अंदर ले आती हूँ तो इनकी माँ तो परेशान हो जाएगी। नहीं, मुझे इन्हें वहीं पर कहीं किसी ऊपर की टहनी पर बांधना होगा, वही ठीक रहेगा। मैं ऊपर की टहनी पर ही इनको बांधती हूँ। अब ठीक है, अब ये सुरक्षित हैं। क्या हुआ माँ, आपने घोंसला ऊपर क्यों टांग दिया? बेटा, अगर घोंसला मैं नीचे बांधती तो बिल्ली या चील उन पर हमला कर देती, इसलिए मैंने उसको ऊपर टांग दिया। वाह माँ, आप तो कुशल पक्षी विशेषज्ञ लग रहे हो। चुप, वो देखो मामा चिड़िया आ गई है, वो अपना घोंसला ढूंढ रही है। देखो देखो, चलो हम थोड़ा सा पीछे हटकर चुप कर देखते हैं। माँ, वो देखो चिड़िया के बच्चे चीं चीं करके उसे बुला रहे हैं। हाँ बेटा, कितना अच्छा लग रहा है। अब मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ सो जाएगी, ठीक है? अब मेरे बच्चे भी छोटे छोटे, चलो रात हो गई है, हम भी अंदर जाके सोते हैं। माँ माँ माँ, सुनो ना माँ। क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह शोर कर रही हो? देखो माँ, चिड़िया के बच्चे उड़ रहे हैं। पर ये क्या, ये तो तीन ही बच्चे हैं। हाँ देखो देखो, कितना अच्छा लग रहा है। वो देखो चौथा बच्चा, अरे वो अभी छोटा है, वो इसलिए घोंसले में ही बैठा है। माँ, क्या ये भी उड़ जाएगा? हाँ बेटा, कुछ ही समय में ये छोटा बच्चा भी मुक्त जीवन जीने लगेगा। माँ, वो देखो वह चिड़िया भी उड़ने लगी। हाँ, वो चिड़िया भी उड़ गई। माँ, आप उदास हो? कोई बात नहीं, वो चिड़िया का बच्चा उड़ गया तो क्या हुआ, मैं हूँ ना आपकी नन्ही सी चिड़िया आपके साथ। हाँ हाँ, सचमुच ये भी तो चिड़िया ही है, ये भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी मुक्त जीवन की राह में। जीवन की परिवर्तनशीलता को समझने का यही एक मूल मंत्र है। शायद यही जीवन है।